नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की उसमें की बात सुना रहा हूँ। जब मेघनाथ की वर्षी से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं और हनुमान संजीवनी बूटी लाते लाते काफ़ी देर हो जाती है और सुबह का टाइम होने वाला है, तो भगवान राम क्या कहते हैं? यानी दोस्तों, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सिर पर राज करे है, इंसान हो या भगवान, तो कहां त्रिलोकी के मालिक। और कहां वो कुदरत के सामने नतमस्तक हैं। तो भगवान राम कुदरत से क्या कहते हैं? तू ही स्वीकार कर ले ओ फलक या बात थोड़ी सी। उर्दू के शब्द हैं, पुरानी चीज है। तो फलक यानी कुदरत, विधाता जो लेख लिखता है, समय जिसको हम कह सकते हैं। स्वीकार कर ले ओ फलक या बात थोड़ी सी। तू ही स्वीकार कर ले ओ फलक या बात थोड़ी सी। तेरा है शान मानूंगा बड़ा दे रात तो किए हैं जिस कतर तूने जुलम सब भूल जाऊंगा। किए हैं जिस कतर तूने जुलम सब भूल जाऊंगा। यदि दे दे मुझे तो वक्त रात थोड़ी सी। तेरा है शान मानूंगा बड़ा दे रात थोड़ी सी। न जब तक मैं कहूँ तुझको न सूरज को निकलने दे। न जब तक मैं कहूँ तुझको न सूरज को निकलने दे। न माने तो इसे दे दे मेरे याद थोड़ी सी।
सन मानूंगा बड़ा दे रात थोड़ी सी। उम्र भर में तेरा हर किज नया उपकार भूलूंगा। उम्र भर में तेरा हर किज नया उपकार भूलूंगा। कर दे मेहरबानी इधर सूरज निकलने का जमाना मुंतजिर होगा। इधर सूरज निकलने का जमाना मुंतजिर होगा। मगर मेरे लिए तो मौत है पर बात तेरा एहसान मानूंगा बड़ा दे रात थोड़ी सी। हमेशा एक जैसी चाल क्यों रखता है वो जालिम। हमेशा एक जैसी चाल क्यों रखता है वो जालिम। दुहाई है बदल दे आज तो मुझे तू दान दे दे जिंदगी मेरे बरदर की। मुझे तू दान दे दे जिंदगी मेरे बरदर की। या भिक्षा मांगता हूँ आज जिसके साथ सान मानूंगा बड़ा दे रात थोड़ी सी। हर एक की लक्ष्मण मुझसे हरिक की लक्ष्मण मुझसे क्यों कराता है। खिला दे तू जबाएं अपनी है मेरे रात थोड़ी सी। तेरा एहसान मानूंगा बड़ा दे रात थोड़ी सी। तू ही स्वयं
नमस्कार सभी को।